Assalamualaikum and welcome to Pakistan Science Club. मैं हूँ हबाब हबीब और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के वैसे बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उसका एक मेन रिसोर्स है वो है एसी जनरेटर. एसी जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. उस एसी जनरेटर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो है सुपर ग्लू, पेपर टेप, आयर स्ट्रिप्स, पीवीसी पाइप, 6-inch नेल, एलईडीज, 30 or 32 gauge कॉपर वायर, मैग्नेट्स, ए वुड पीस एंड सम टूल्स. एसी जनरेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कॉइल बनानी पड़ेगी. उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है आयरन स्ट्रिप एंड कॉपर कॉइल. सबसे पहले हमें आयरन स्ट्रिप की 2.5 inch की मेजरमेंट लेनी है और फिर उसको कट करना है और इसके हमें ऑलमोस्ट 10 pieces बनाने हैं. जब हम इसके 10 pieces कर लें तो हमें इसको बिल्कुल साथ साथ रखना है और इसको लेवल करना है ताकि इसके बीच के जो गैप्स हैं वो फिल हो. आफ्टर दैट हमें पेपर टेप लेके इसके ऊपर रोल करना है ताकि सारे एक साथ स्टिक हो जाए. आयरन स्ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद हमें इस पर कॉपर कॉइल के टर्न्स देने हैं. अभी हम इसमें कॉपर के ऑलमोस्ट 300 टर्न्स दे चुके हैं. अब हम इसमें टेपिंग कर देंगे ताकि ये टर्न्स खुले ना और ये इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा. हमें ऐसी 2 coils चाहिए अपने एसी जनरेटर को बनाने के लिए. हम इसकी 2 coils बना चुके हैं और अब हम बनाएंगे इसका रोटर. उसके लिए हमें चाहिए पीवीसी पाइप. उसको हमने 2.5 inch में कट करना है. अब सुपर ग्लू की मदद से हम इसमें मैग्नेट पेस्ट करेंगे. इस तरह से हमने इस पर 4 magnets पेस्ट करने हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेम पोल हैं वो अल्टरनेटिव हैं. लाइक ये मैग्नेट अभी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि ये अपोजिट पोल्स हैं और ये वाला साइड साउथ है, तो हम ये इस तरह से लगाएंगे नॉर्थ साउथ. अभी हमने इसके दोनों साइड पे हमने नॉर्थ पोल से मैग्नेट अटैच कर दिए. अब हम साउथ साइड को बाहर की तरफ रखेंगे और ये भी अटैच करेंगे. अब हम इसमें चारों तरफ मैग्नेट लगा चुके हैं. अब हम इसके कंफर्म करेंगे कि हमने सारे पोल सही लगाए हैं ताकि हमारा जनरेटर सही से बंद रहे. इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये साउथ है. ये भी इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये साउथ है. ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है. अब हमें इसका एक्सेल बनाना है. उसके लिए हम ये नेल यूज़ कर रहे हैं जो कि 6 inches की है. हमने इसमें ऑलमोस्ट 1/2 inch का गैप देना है और इस पर टेप फोल्ड करना है ताकि ये इसमें बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए. अभी हम एक साइड से तो इसको फिट कर चुके हैं और हमें इस साइड से भी इसको फिट करना है. एक्सेल की टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है. अब हम ये इसमें फिक्स कर देंगे. हमारा एक्सेल कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसका मेन बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे. उसके लिए हम
वुड की बेस यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 square inch का है, और हम 2 PVC पाइप यूज़ कर रहे हैं, एक 2 inch का है और ये 1 inch का है। सबसे पहले हमें इसमें थोड़ी से थोड़ा सा गैप बनाना है ताकि वहाँ पे हमारा एक्सेल फिट हो सके। यहाँ पे एक साइड से हम इसको काट चुके हैं, अब यहाँ से भी बिल्कुल इसकी लाइन में एक होल करना है। ये बिल्कुल इसके एक होना चाहिए। अब हमें दूसरा जो 2 inch का PVC पाइप है उसको लेके यहाँ पे पॉइंट लगा दे ताकि बिल्कुल सेम पॉइंट पे आप होल्ड कर सकें। इन दोनों PVC पाइप में हम होल्स कर चुके हैं, अब हम ये फिट करके देखेंगे कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें इन PVC पाइप को सुपर ग्लू से स्टिक करना है। अब हम इसमें कॉपर कॉइल को लगाने के लिए 1/2 inch के PVC पाइप यूज़ करेंगे और उसको भी उसी सेम तरीके से जोड़ेंगे जिस तरह से हमने ये वाले PVC पाइप जोड़े थे। अब हम लाइटर की हेल्प से इस कॉपर कॉइल के ऊपर के जो प्लास्टिक है उसको जला देंगे। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए हम LED बल्ब इससे कनेक्ट करेंगे। अब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ LED बल्ब कनेक्ट करके। एज यू कैन सी कि LED बल्ब जल रहा है, मतलब कि हमारा जनरेटर वर्क कर रहा है। अगर एक कॉइल से एक LED बल्ब जल रहा है तो दोनों कॉइल से ये थोड़ा और ब्राइट चलेगा, इस वजह से हम दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक और कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे www.parksc.org। और अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डालने प्रॉब्लम्स हैं और आपको इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे फॉरम